हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लासिक पास्ता बनाने की रेसिपी विद नो मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पास्ता ले लिया और अब हम इसे एक बर्तन में रखेंगे बॉईल करने के लिए। तो ये मैंने पास्ता रख दिया, उसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि जो पूरा पास्ता है वो भीग जाए और पानी थोड़ा सा ऊपर तक दिखे। तो इतना पानी हमें रखना है। अब हम इसे गैस पर रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे रखें। इसमें एक चम्मच तेल डाल दें और इसे मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि पास्ता जो है वो बर्तन में चिपकेगा नहीं बॉयल होते टाइम। तो ये मैंने इसे मिला दिया अच्छे से। और क्या करिए ना, धीरे धीरे बीच बीच में एक दो बार इसे चलाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि पास्ता बर्तन में लगेगा नहीं, चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब मैंने ना प्याज, लहसुन, मिर्च और टमाटर ले लिए हैं कट करके। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल दें। जीरा का जब कलर चेंज हो जाए तो उसमें कुटी हुई अदरक डाल देंगे। एक चम्मच कुटी हुई अदरक डाला मैंने यहाँ पे। और अब इसमें डालेंगे लहसुन, हल्का सा भुन जाने देंगे। उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने इसे लंबा लंबा कट करके डाला है, इसलिए देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब डाल देंगे प्याज। इसे अब हल्का सा मिक्स कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे ऐसे। और इसमें ना हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो प्याज है वो जल्दी पक जाएगा। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे रखें। अगर मीडियम फ्लेम आपको ज़्यादा लगता है तो बीच बीच में आप इसका फ्लेम लो भी कर सकते हैं। इसे चलाते हुए आप पास्ते का भी ध्यान रखें, उसे भी आपने बॉयल होने के लिए रखा है। तो अब देख रहे हैं ना, पास्ता बॉयल हो रखा है। अब इसे बंद कर देंगे। एक बार इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे और इसमें थोड़े से मूँगफली के दाने डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, आगे बताऊंगी मैं, पहले आप इसे मिक्स तो कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे चने की दाल। इसे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में टमाटर। मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिया हुआ है, अच्छे से मिला देंगे। ये पास्ता ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें मैंने ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलाया, मतलब कोई भी मसाला नहीं ऐसा डाला है मैंने। बस अब इसे हम ढक देंगे, कवर करके रख देंगे। और कवर करने के बाद पास्ते को अच्छे से छान लीजिए। ये मैंने इसे पास्ते का पानी गिरा के फिर इसे रनिंग वाटर में एक बार धुल लिया है। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं अपने जो हमने इन्ग्रीडियंट तैयार करें उसके लिए, चेक कर लेते हैं उसे। लो फ्लेम पे इसे ढक के रखिएगा, नहीं तो सारा मिक्सचर जो है ना वो जल जाएगा। इसे मिलाएंगे हम अच्छे से। और अब लास्ट में डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का डालना है जिससे कि कलर आ जाए। मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी हुई डालना है हमें, बहुत थोड़ी सी। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही निखर कर आता है। और बस अब ये मसाला तैयार हो रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता। पास्ते को ना आधा पास्ता पहले डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आधा पास्ता डालकर इसे चला रही हूँ। मैं आधा पास्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें पहले। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर जो बाकी का बचा हुआ पास्ता है हम उसे बेस में डाल देंगे। अगर आपने इस तरीके से पास्ता नहीं बनाया ना तो ज़रूर बनाइए, ये काफ़ी आसान सा तरीका है और आपको बहुत पसंद आएगा ये। वीडियो के लास्ट में भी कुछ है, अभी कुछ और भी बनना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।
लास्ट में डालेंगे हम मैगी मसाला। मैगी मसाले से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपने कभी नहीं डाला तो ज़रूर डालें। अगर आपके घर में ना मान लो कुछ है नहीं ऐसे कुछ ज़्यादा और ये सब खाने का मन हो रहा है, तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। माउथ वाटरिंग लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो अब रेसिपी बनकर तैयार है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध ले लिया है। इसमें हम मिलाएंगे 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच पानी नहीं 3 चम्मच चीनी, और चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी आधा कप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे हम थोड़ी देर तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये बॉयल हो रहा है। जब ये बॉयल हो जाए हल्का सा पका लेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। फिर हम निकालेंगे अपने कप, क्योंकि कॉफ़ी तो बनकर तैयार होने वाली है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके। बस अब दूध को हम डाल देंगे कप में। बहुत ही सिंपल सी कॉफ़ी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये दूध डाल दिया मैंने, अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो आप क्वांटिटी देख रहे ना कॉफ़ी पाउडर की, बस इतनी कॉफ़ी डालनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे ना तो बहुत ही हार्ड कॉफ़ी हो जाएगी। अगर आप हार्ड पीते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। बस अब हमें इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है ना। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।